से आपको टिकट दिया है, अभी 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 विधानसभा चुनाव हुआ, अब लोकसभा में आपको उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अद्भुत और अभूतपूर्व विकास हो रहा है और जन कल्याण के कामों में इतिहास रचा गया है। हम सब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो काम उचित समझती है वो काम पार्टी के कार्यकर्ताओं को देती है। अभी पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। उस संकल्प की पूर्ति में अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का, अमित जी का, केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूँ। विदिशा से सदैव से मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है, फिर एक बार सेवा का सौभाग्य मिला है। सर, जो 195 लोगों की लिस्ट आई है और मध्य प्रदेश के 24 लोगों की लिस्ट आई है, उसमें अगर देखा जाए पूरे 195 लोगों की लिस्ट में, तो उसमें यूथ को काफी मौका दिया गया है, 50 से कम उम्र के 47 लोगों को मौका दिया। बहुत संतुलित सूची है और भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसले किए हैं। युवाओं को भी अवसर दिया गया है, समाज के हर वर्ग को, टैलेंट को, अलग अलग तरह का काम करने वाले लोगों को, बहनों को, सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। बहुत संतुलित और बहुत योग्य टीम का चयन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी, हाँ, उनको भी बहुत बधाई। बहुत सोच समझ के पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। सर, आपका एक बयान खूब चर्चाओं में रहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, आप दिल्ली ने बुलाया। मैंने कभी नहीं कहा। अरे देखो, उसको आप अनर्गल तरीके से चीजों को मत लो। मैंने हमेशा ये कहा था कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जो काम देगी पार्टी, मेरे लिए कोई काम छोटा और बड़ा नहीं है, उस काम को मैं पूरा करूंगा।